नए कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की जोड़ी अब कोलकाता में भी जीत दर्ज कर सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। यहां ईडन गार्डन्स में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा व अंतिम T20 मैच खेला जाएगा। मेजबान पहले ही 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। अब इसका इरादा कीवी टीम पर क्लीन स्वीप करने का है। इस मैच में टीम प्रबंधन बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकता है। भारत ने पहले T20 में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से और फिर रांची में दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से सीख दी थी। टॉस होगा अहम जयपुर और रांची के बाद कोलकाता में भी टॉस अहम होगा। कोलकाता में भी शाम से ओस गिरने लगी है जिससे यहां टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी। ऋतुराज आवेश को मौका संभव कोच राहुल द्रविड़ इस मुकाबले में ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और तेज गेंदबाज अवेश खान को मौका दे सकता है। इस सीरीज में अब तक अय्यर व हर्षल पटेल पदार्पण कर चुके हैं। ईशान किशन व यजवेंद्र चहल भी सीरीज में पहला मैच खेलने का इंतजार। थकान से उबर नहीं पाई ये कीवी टीम। ईडन गार्डन्स में रिकॉर्ड 4 T20 मैच खेले हैं। भारत ने यहाँ पर 2 मैच जीते हैं, 1 हारा है।